अब क्या होगा? अभी जंगल की रानी की धड़कन के साथ पूरा जंगल, पशु पक्षी सब जुड़े हुए हैं। अगर उनकी धड़कन रुक गई तो न ही ये जंगल बचेगा, न ही जानवर, सब नष्ट हो जाएगा। सारे पंछी जानवर सब मर जाएंगे, जंगल मानव भी नहीं बचेगा अभी। हाँ माया, ये सब हमारी गलती की वजह से हो रहा है। प्लीज हमें माफ कर दीजिए। हमारी गुरुकाल के साथ दुश्मनी के कारण उस नागिन ने अपने जादुई जहर से जंगल की रानी को काट लिया। माया ये कह रहे कि जंगल की रानी की सांसें अभी भी चल रही है। इसका मतलब जंगल की रानी को अभी भी बचाया जा सकता है। अभी नागिन के जहर का कोई तो तोड़ होगा, जंगल की रानी को बचाने का कोई तो रास्ता होगा। अभी पूछो। माया, इनके हिसाब से एक मायावी फल है जिसे खाने से जंगल की रानी ठीक हो जाएंगी, लेकिन वो इस जंगल की गहराइयों में एक मायावी जंगल के अंदर है। और इनका कहना है कि वो एक जंगल नहीं है, वो असल में एक जेल है जिन्हें इनके परदादाओं ने बनाया है। जेल जंगल में? वहाँ किसे बंद किया है? आओ, 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 ये कह रहे कि वहाँ इस दुनिया के सबसे खूंखार जानवरों को कैद किया गया है। ऐसे जानवर जिन्हें हमने आज तक सिर्फ कहानियों में ही देखा है, उनके हिसाब से वहाँ पर ही एक मायावी फल है जिसे खाने से जंगल की रानी ठीक हो जाएंगी, लेकिन वहाँ ये जंगली हमारा भी नहीं कर सकते। और ये कह रहे कि हम लोग वहाँ से बाहर नहीं आ सकते, और वहाँ से बाहर तभी निकला जा सकता है जब हमारे हाथ वो मायावी फल लग जाए, वरना हम भी वहाँ हमेशा के लिए कैद हो जाएंगे। माया, इनका कहना है उस मायावी जंगल में जाना नामुमकिन है। माया रुक्मणी, विष्णु, माया राजमाता, चमत्कार हो गया। सूरजपुर में फिर से शांति लौट आई राजमाता। सारे जंगली जानवर वापस जंगल की तरफ शांति से जा रहे हैं। अरे वाह, ये तो बहुत ही अच्छी खबर है। अच्छा, राजवैद्य से कहना कि प्रजा में कोई भी जख्मी हुई हो तो उनकी देखरेख करें। जी। सारा पैसा राजकोष से जाएगा। मुश्किल क्यों ना, हम जंगल की रानी को बचा के रहेंगे, वो फल लेकर आएंगे। आओ 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 आओ। अभी
अभी तुमने क्या कहा जंगल की मानव से? माया, अभी मैंने इनसे विशु को मौत के दलदल से बचाने की रिक्वेस्ट की है। विशु, कोशिश कर बेटा, मेरे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, मैं क्या करूं? तू रुक, मैं आती हूँ, मैं आती हूँ तुझे बचाने के लिए। आगे, आप आगे बताइएगा, अगर आप आगे आओगे तो आप इस दलदल में फंस जाओगे, अब वही रहिए। पर विशु, मैं अपने जीते जी तुझे ऐसे नहीं देख सकती। डरो मत, ये शेर ही मुझे यहाँ लाया है। विशु बेटा, डरना मत, कुछ नहीं होगा तुम्हें, मैं कुछ ना कुछ करता हूँ। अंकल आंटी, आप जाइए, अभी और माया को बचाइए, काफी देर हो गई है, शायद कोई मुसीबत में होंगे, आप जाइए उनकी मदद कीजिए, आप मेरा बचने को कोई चांस नहीं है, जाइए। आज रुद्र के रक्षक का अंत होकर रहेगा। नागेन, विशु तो समझो मर गया दलदल में। अभी और माया माया और फल लेने जाएंगे और लौट कर वापस नहीं आएंगे। गुरु काल बैरिया बैरिया महापासा। माया, लगता है यहाँ से मायावी जंगल की सीमा शुरू होती है। पर अभी जंगल मानव ने तो तुम्हें कहा था कि एक खूंखार मायावी जानवरों की जेल है, पर यहाँ ना कोई दरवाजा ना कोई सिपाही। माया, ये मायावी जंगल है, जरूरी नहीं है कि यहाँ पर जो दिखता ना वो असल में भी ना, इसलिए थोड़ा संभल के चलना। हाँ। अच्छा हुआ अभी तुमने मुझे बचा लिया, वरना अगर मेरा बाल कट हो जाता ना तो फिर से बाल जाके सेट करवाने पड़ते, बहुत मुश्किल से बड़ा है ना, इसलिए। माया, अगर यहाँ विशु होता ना तो वो दुश्मन बहुत चिल्लाता, जहाँ तेरी गर्दन कट्टे कट्टे बची है और तुझे अपने बालों की बड़ी है, ये लड़कियां भी ना भगवान ही बचाए। अब चले। पर अभी तुमने तो कहा था क्या डरावने जानवरों की कैद है, पर वो देखो वो जानवर कितना क्यूट है। जानवर तुझे अभी भी बहुत क्यूट लगता है ना, घर ले जाना है ना इसे। अभी तो अभी रहे, विश्व बनने की कोशिश मत कर, भाग यहाँ से जल्दी। माया, अब हम इस लड़ाई पर बहुत ज्यादा देर नहीं चल सकते, मम्मी रुक कर इसका सामना करना होगा।
यहाँ के जानवर भी ना कितने डरपोक हैं, हमसे डर कर भाग गए। ले मेरी मां, ले ये लकड़ी ले और फोड़ दे मेरा सर खत्म कर किस्सा। लिली सच मत मारना, मजाक कर रही था। लिली डोसा, लिली डोसा, अमा ये क्या चक्कर है यार? लिली डोसा, लिली डोसा, अब समझ में आ रही है गुरु। रुग्गू भोपाली जो तुम्हारे स्मार्ट लुक के ऊपर फिदा हो गई है, तभी पगला रही है। कोई बात नहीं बेटा, अब समझ में आया, इसको प्यार का मक्खन लगाना पड़ेगा। एक बात बोलो, डोसा इल्ली, इल्ली डोसा। अबे ये क्या पागल लड़की है यार, हम औरतों पे हाथ नहीं उठाते, उसका फायदा मत उठा, तू याद रखना हमारा भी हाथ उठ सकता है। कमाल की लड़की यार, अब समझ में आ रही है, प्यार करो तो गुस्सा करती है, गुस्सा करो तो प्यार करती है। तेरे लिए इडली डोसा लेकर आ रहा हूं मैं, चटनी भी लाऊंगा लाल वाली। चुप्पू भोपाली निकल ले, पीछे मुड़ के मत देखना, बाय इडली डोसा। माया हमें भागना है और पीछे मुड़ के बिल्कुल भी मत देखना। माया तू जल्दी से ना अपनी बहुत सारी परछाइयां बना ले और इसका ध्यान भटका, तब तक हम लोग अचानक से उस पर एक स्पेशल अटैक करते हैं। ठीक है बॉस। ये दर्पण में बहुत सारे रूप बन जाए। मार नहीं सकते पर कह तो कर सकते हैं ना। अब हमें जल्दी से माया भी फल ढूंढना चाहिए, जंगल की रानी के पास बहुत कम समय बचा है। हाँ से असली मायावी फल कौन सा होगा?
ये देखो सुनहरा फल, यही मायावी सुनहरा फल होगा। असली माया कौन सी है? अब क्या होगा? मैं मनोज को कल को मायावी चाबी दे दी होती तो जंगल की रानी खतरे में नहीं पड़ती, विशु दलदल में नहीं फंसता। और ना ही अब माया, अब मैं असली मायावी फल कैसे ढूंढूंगा? मायावी फल है ना, तो मायावी की तरह ही उगेगा बिना टहनी के। तो बिल्कुल ठीक है ना, तूने तो मुझे डरा ही दिया था। डरना बहुत जरूरी है अभी। वो देखो सारे जानवर हमारी ओर ही आ रहे, अब क्या करेंगे? माया, वो जंगल मानव ने कहा था कि ये मायावी फल यहाँ से बाहर निकलने का रास्ता है, जैसे जल्दी से झूले। हाँ करेंगे, अभी जंगल की रानी तो बेहोश है, इन्हें फल कैसे खिलाएंगे? माया, जंगल की रानी के रोम रोम से जंगल को शक्ति मिलती है, तो हो सकता है इस फल से इन्हें भी शक्ति मिले, है ना? अभी माया कहाँ थे तुम लोग, और ये लोग कौन है? इनकी भाषा तो हमारी समझ में नहीं आ रही, पर इन्होंने ही हमारी विषु की जान बचाई है। अरे कोई कुछ बता क्यों नहीं रहा है मुझे? मम्मी, ये जंगल के राजा और ये जंगल की रानी, इन्होंने ही हम दोनों की जान बचाई है, और उन सारे पागल जंगली जानवरों को अपने वश में करके सबको ठीक कर दिया। अरे मम्मी डरिए मत, अब ये सारे जानवर हमें कुछ भी नहीं करेंगे। देखिए आप दोनों की भाषा तो मुझे समझ में नहीं आ रही है, पर आपके अंदर का प्यार मैं देख सकती हूँ। मेरे बच्चों की जान बचाने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। चलो बच्चों, अब घर चलते हैं। वैसे तुम्हारा डुग्गू मामा किधर है? अरे मामा डुग्गू, ये जाजे डुग्गू, ये क्या हाल बना रखा है तूने? इल्ली इल्ली डोसा डोसा, इल्ली इल्ली क्या? मेरे पीछे एक बला पड़ गई थी और आपको बता दी थी, वो मुझे अपना घर जवाई बनाना चाहती थी। ठीक है, सब लोग भाग चलो इससे पहले वो इल्ली उल्ली आ जाए। बाय बाय इल्ली, बाय बाय। गुस्सा के माफ गुरुका, गुरुका इस बार भी उस शैतान अवि ने आपके चाल को नाकामयाब कर दिया। केन,
छवि को मारने के लिए मुझे सिर्फ एक बार कामयाब होना है। रवि को मेरे वार से बचने के लिए हर बार कामयाब होना है, हर बार। एक बार तो हो चुकेगा, इस बार तो बच गया, अगले बार वो नहीं बचेगा। भगवान का लाख लाख शुक्र है, मेरा पूरा परिवार सही सलामत वापस आ गया।